कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पहली से आठवीं तक के छात्रा छात्राओं के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ जगहों से स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है कि वो सरकार के आदेश नहीं मानेंगे और स्कूलों को खोला जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि ये आदेश सभी के लिए है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। हम स्कूलों की समस्या भी समझते हैं, लेकिन जो आदेश है वो सबको मानना पड़ेगा और जो आदेश नहीं मानेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले है और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। नहीं देखिए, हम स्कूल की भी समस्या को समझ रहे हैं और स्कूल ने जो भी समस्या हमारे सामने प्राइवेट ने रखी, हमने उनको भी सहयोग किया, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं उनकी समस्या को भी और जो उनकी समस्या, हमारा पूरा पूरा प्रयास होता है उनको सहयोग करना और किसी प्रकार का उनको भारी नुकसान ना हो। लेकिन लोगों का स्वस्थ रहना वो उससे ज्यादा जरूरी है, तो दोनों ही समस्या है। तो पहला जो है वो लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है, बच्चों का स्वस्थ रहना जरूरी है, वो पहले प्राथमिकता पे है। तो इसी देखिए, कुछ लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये उनका है, लेकिन जो आदेश सरकार का है उसे भी को मानना पड़ेगा और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि स्कूलों को जो बंद किया गया ना, जिस प्रकार से पूरे देश की परिस्थिति आज है और सभी जितने भी स्टेट हैं सभी ने बंद कर दिए अपने स्कूल, हम तो सबसे बाद में कर रहे हैं बंद, तो परिस्थितियों को देखते हमने बंद करने पड़ रहे। कोई हमें इसका चाव नहीं है बंद करने का, हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुले रहने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में अभिभावकों के मन में भी एक चिंता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि सारे को देखते हुए निर्णय लें। पहले भी मैंने ये बात कही थी कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पहले भी लोगों की काफी डिमांड थी कि पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको स्कूल बंद करने चाहिए, तब भी मैंने कहा था कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनकी पूरी नजर रखे हुए हैं और अगर ऐसी जरूरत होगी तो हम निर्णय लेंगे। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।